अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज कई दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फीवर भी हो रहा था, गला भी ख़राब हो रहा था। और यहाँ माली भैया सुबह सुबह आ गए हैं। आज माली भैया सुबह सुबह आ गए, आज सुबह आ गए। ऐसे तो आप 1:30 बजे से पहले नहीं आते। आज आपके पौधा लिए थे। अच्छा, आप इसी से कहते हैं ना, सुबह सुबह कर लीजिए, अच्छा रहता है। कई जगह जाना रहता है, इसलिए देर सवेर होती रहती। क्या क्या ले आए? सूरजमुखी है और गिलाडिया। गिलाडिया? गिलाडिया, गिलाडिया। तो थोड़ा सा अभी और ले आएंगे। अभी और पोटोलाटा है। अच्छा, और गम्फ्रीना है। अभी और लाना है? हाँ, अभी और लाना। क्या क्या आप लाएंगे? गम्फ्रीना लाना है, पोटोलाटा लाना है, और अभी कुछ मिल जाए तो कोई आया रहे तो ले लेंगे। तो गर्मी में चल जाएंगे? गर्मी के ही पड़ो, इतनी तेज धूप में भी चल जाएंगे? हाँ, चल जाएंगे। हाँ, आजकल खाली हो गया, अब कुछ बचा भी नहीं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी से ज़्यादा तो हीट वेव, जो लू चल रही है ना, उससे पौधे बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो बस अब कुछ समर वाले जो हैं वो लग जाएंगे। इसका कलर बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा इसका कलर है। इसमें शायद जब आया था तब भी एक आया था, एक फूल लाया था शुरू में। अच्छा, बहुत से मैं देखे इसमें जो डाल होती है बहुत लंबी हो जाती है, हम लोग काट देते हैं ना? नहीं, वो तो काटा जाता है, छोटा बनाया है। और बहुत से लोगों की लंबी लंबी नहीं, अपनी अपनी पसंद। हाँ, वहाँ घर पे है ना, बहुत लंबा हो गया है। कभी काटा नहीं गया, काटा नहीं गया। फूल आते हैं सब में, खूब पूरा भरा। तो जिस समय फूल आएगा, कोचिया जो है बढ़िया बनेगी नहीं? कहा तो गमले, कोचिया भी तो 3 गमले लगाते थे। कोचिया कहाँ बढ़ती, यहाँ तो बनेगी नहीं, वही तो धूप नहीं मिलती। धूप फिर जब जिसको चाहिए उसको धूप ना मिले, ना चाहिए उसको खराब कर देती है। फिर भाई ऊपर रखिए, फिर नीचे लाइए, क्या बंदर हमला शुरू कर चुके हैं? नहीं, ऊपर चलेगी भी नहीं ना, पानी नहीं पड़ पाएगा, पानी नहीं पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगी। बंदर फिर आने लगे हैं, फिर आने लगे हैं। ऊपर तो जिसका जिसका पौधा था नोचे हैं, तो नुकसान कर देते हैं, गमला वमला तोड़ देते हैं। तो बस सुबह सुबह माली भैया अपना काम कर रहे थे। चलिए, अभी धूप आई नहीं हमारे इस गैलरी में, तो हम तो हमेशा इनसे कहते हैं कि सुबह जल्दी आकर काम कर लिया करिए, लेकिन यही है, लेट कर देते हैं, आने में इतनी देर कर देते हैं, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे आते हैं, वैसे वीक में ये एक बार ही आते हैं। तो बस अब कुछ पौधे लगवा लेंगे। रूटीन जो है, ये आप देख रहे होंगे ना, सेलो टेप लगा, बंदर ने इसे तोड़ दिया था तो हमने इसमें सेलो टेप लगा दिया। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करके वो जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, देख लीजिए, अभी हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, व्यूज़ लाइक पाने को बाइक फूकी, दोस्त को दरवाजे से लटकाकर चलाई कार। बताइए, ख़तरनाक स्टंट का रील सोशल मीडिया पे वायरल, यूट्यूबर के ख़िलाफ़ हंडिया थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। भाई क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे व्यूज़ पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी यूथ जनरेशन को क्या हो गया है, अल्लाह सब पे रहम करे। और ये वाली न्यूज़ आप लोग देखिए, पूरा छात्र सम्मेलन आज से शामिल होंगी कई हस्तियां। एलुमनाइज को बुलाया गया है, फर्स्ट टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इस तरह से कोई एलुमनाइज के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है, और ये 2 दिन चलेगा। और मेरा तो बहुत जाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि भाई हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं, पास आउट यहीं से हुए हैं, ग्रेजुएशन हमने यहीं से किया था, लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड्स हैं ही नहीं, और सब बाहर हैं, दूर हैं, कलकत्ता में हैं, चंडीगढ़ में, तो आने के लिए रेडी नहीं हुई। रेडी क्या नहीं हुई, टाइम ऐसा था कि किसी के बच्चों का स्कूल है, किसी का एग्ज़ाम है, कुछ है, तो हो ही नहीं पाया। तो फिर अब हम अकेले जा कर के क्या करते हैं, इसलिए नहीं जा पाए। दिल तो बहुत चाह रहा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, देखेंगे। वैसे इन्होंने बताया कि अब नेक्स्ट ईयर जो है वो फेब में ये लोग कंडक्ट कराएंगे, फेब में जो सेकंड सैटरडे होगा उसमें हुआ करेगा, देखते हैं।
लेकिन बहुत दिल चाह रहा था, क्या बताएं, लग रहा था एक बार चले जाएं और फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करें, पर अकेले क्या करते ना, जब फ्रेंड्स रहेंगे तभी तो करेंगे। उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये शाम को यहाँ पर देखिए, हम गए थे बख्शी बांध, तो हमारे यहाँ बख्शी बांध पे जो सब्ज़ी जो है, यहाँ पे बांध पे सब्ज़ी लगती है, सब्ज़ी की मंडी है। तो हमने कहा चलिए आज आपको भी दिखा देते हैं। भाई धूप की वजह से सब्ज़ी वाले जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो घर के बाहर सब्ज़ी मिल नहीं पा रही है, और जब आते हैं तो दोपहर तक आते हैं तो बहुत तेज़ हो जाती है धूप। तो हस्बैंड से हम कई दिन से कह रहे थे कि चलिए सब्ज़ी ले आएँ, सब्ज़ी ले आएँ, पर वो बांध पर जाना ही नहीं चाहते सब्ज़ी लेना, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होता है, और शाम को जो है हम जाना नहीं चाहते थे क्योंकि लाइट नहीं होती, प्रॉपर रोशनी नहीं होती, तो सब्ज़ी लेते बनता नहीं है। तो मेरा कहना था सुबह सुबह चलिए, तो सुबह वहाँ पे सब्ज़ियों वालों का रश होता है, क्योंकि वो अपनी जो पूरी सब्ज़ी होती है थोक वाली खट्टा वहाँ से लेते हैं, दुकान वाले जो हैं वो लेते हैं, और शाम को लोकल लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स कोटा होता है वो पूरा यहाँ इकट्ठा होता है, वो अपनी सब्ज़ियाँ लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत रश रहता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग की वजह से जैम लग जाता है। वैसे तो फ्लाईओवर बन गया है, तो फिर भी किसी तरह हस्बैंड शाम को रेडी हुए, और ये देखिए हमारा थैला पूरा भर गया है। तो शाम थी, ये देखिए फ्लाईओवर हम आपको दिखा रहे, तो हमने अपनी ज़रूरत की सब्ज़ियाँ जो भी थी ले ली थी, तो कुछ सब्ज़ियाँ तो ठीक मिल गई थी, कुछ जो है अंधेरे में समझ में नहीं आई थी, फिर भी बहुत बेहतर मिल गई थी। तो हमने हस्बैंड से कहा ऐसा है अब चलेंगे, और फिर अब सुबह सुबह चला करेंगे, ले करके आएंगे। वो बोल रहे थे हाँ अभी ले चलते हैं तुमको हम सब्ज़ी लेने, पता गोश्त के लिए कहिए फ़ौरन रेडी हो जाएंगे, लेकिन हाँ सब्ज़ी के नाम पे भागते हैं, कभी सब्ज़ी लाते नहीं, और कभी कह दो तो इतनी बुरी लाते, इससे पहले हमने आपको कई बार दिखाया होगा ऐसी सब्ज़ी लाते हैं कि दोबारा कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ियाँ अपनी ले ली थी, प्याज वगैरह भी हमें ज़रूरत थी, तो प्याज भी हमने ले ली है, और अब हम लोग वापस आ गए। और देखिए यहाँ पे मना कर रहे हैं शूट मत करो, तो हम कह रहे थे कि अच्छा सबको पता चल जाएगा ना कि इरफान साहब जो हैं वो सब्ज़ियाँ भी ले आते हैं, सबको पता है कि सिर्फ ये गोश्त मछली ले आते हैं। और बच्चे कह रहे थे पापा आप सब्ज़ी लेकर के आए, हमें तो उम्मीद थी आप पूरा थैला भर के मटन चिकन लेकर के आएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ियाँ हमने सारी रख दी थी, हमने क्या रख दी थी, हम तो थक गए थे, हम तो बैठ गए थे, देखिए पुदीना अच्छा नहीं मिला हमको, बाकी सब्ज़ियाँ सारी रख दी हैं। भिंडियाँ जो हैं उसे अभी धो देंगे, और लोकल जो यहाँ पे हमारे यहाँ का ये प्रोडक्ट है, ये सारी सब्ज़ियाँ यहीं पे होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रेट इनका होता नहीं है। जैसे खीरा है 25 रुपए किलो मिल जाता है आराम से, ऐसे ही रेट ऊपर नीचे होता रहता है 5-10 रुपए। नेनुआ है, ये नेनुआ जो है हमारे यहाँ 40 रुपीज़ केजी है, और वहाँ मंडी में और थोड़ा कम रेट मिल जाता है। टमाटर हैं ये भी 40 में है। धनिया जो है आप 5 रुपए का 10 रुपए का एक गड्ढा ले लीजिए पूरा। फिर उसके बाद ये सब हमने फैला दिया था, और आलिया जो थी उनसे हमने कहा अब ये सब आप समेट करके रखो, हम खाने की तैयारी करें। बस हस्बैंड ने एक अपनी पसंद की चीज़ ली थी, वो बेबी पोटैटो आपको नज़र आ रहा होगा ना, तो उनको बहुत था कि इस छोटे वाले जो आलू हैं इसे ले लो और इसकी सब्ज़ी बना देना। फिर हमने कहा ठीक है, काफ़ी लेट हो गया था तो हमने कहा ठीक है चलिए इसी को आज बना देते हैं रात में। अच्छा आज कुछ था भी नहीं, रखा हुआ भी नहीं था, कभी कभी देर हो जाती है रात में, कुछ ऐसा हो जाता तो कुछ फ्रिज में रहता है तो यूज़ हो जाता है, पर कुछ था नहीं, गर्मी की वजह से आजकल कुछ रखते भी नहीं। तो यहाँ पे आलू जो थे वो अच्छा, इसको हमने जो है ना वो पील नहीं किया था, छीला नहीं था, खूब सारी प्याज जीरा और हरी मिर्च डाल करके इस तरह से आलू जो है छोटे छोटे बारीक कट करके इस तरह से इसमें डाल दिया था। बड़े मज़े की ड्राई सूखी सब्ज़ी जो आलू की भुर्जी आप बोल सकते बनती है ना, बहुत मज़े की होती है, और पूरी और पराठे के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस इस तरह से ये हमारी जो सब्ज़ी है फटाफट रेडी हो गई थी, और तंजिया ने आटा नीट करके रखा हुआ था, तो बस इसके बाद हम पूरियां बना लेंगे और हमारा ये डिनर हो जाएगा। और इधर जो है सब्ज़ियाँ जो हैं ये भी आलिया ने सब पैक कर दी थी, अब उठा करके इन्हें जो रखने वाली है फ्रिज में वो डाल देंगे, और भिंडी वगैरह को वॉश कर देंगे, पुदीने को हमें सुखाना था, ड्राई करके रखना था तो वॉश करके रख देंगे तो वो सूख जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वन वीक क्या 4-5 दिन के लिए फुर्सत हो गए हैं सब्ज़ी की। बाकी जो एक आध सब्ज़ी वाले आते हैं उनसे जो लेना होगा ले लेंगे। भाई गर्मियों में तो अब कुछ डिफरेंट थोड़ी सी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद फिर दिल भर जाता है अब क्या लिया जाए। वैसे तो अभी नेनुआ है, परवल है, ये सब अच्छे आ रहे हैं, फ्रेश आ रहे हैं, खीरा आ रहा है। अच्छा ये देखिए ऊपर से जब ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है ना तो इसमें हम कलौंजी डाल देते हैं थोड़ी सी, जिसको मंगरेल बोलते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपने इस तरह से
नहीं बनाया है ना, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू की भुर्जी है ये। और इसके बाद हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ भी रेडी हो गई थी, और तंजिया से हमने आटा कहा था नीट करने के लिए पूड़ियों वाला करना, लेकिन उसने रोटियों वाला ही आटा नीट कर दिया था, यानी थोड़ा सा लूज़ था आटा। तो पूड़ियाँ जब बनाओ ना तो थोड़ा सा उसमें हम सूजी डलवा देते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट होता है। तो बस इस तरह से ये हमारा डिनर जो है रेडी हो गया है। वैसे पूरी खाने का मन तो नहीं था, गर्मी बहुत थी, लेकिन इस सब्ज़ी के साथ पूरी या पराठा ही अच्छा लगता। और पराठा बनाने में भाई टाइम बहुत लगता, एक एक पराठा बनाते जाओ, और पूरी ये थी कि फटाफट बन जाती है। तो बस पूरी का शेप तो बहुत अच्छा नहीं बना था, और अच्छे से पूरियाँ हमारी फूली भी नहीं थी फिर भी। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दिन पहले का क्लिप है, एक दिन नहीं दो दिन पहले का क्लिप है। आलिया को यहाँ पे हाथ में देखिए क्या हो गया है। तो आलिया रात में सोते सोते एकदम से जब उठी हैं तो रात में 2 बजा था, और वो कह रही थी इनके हाथ में से हल्का हल्का हथेली यहाँ पर से ब्लड आ रहा था। तो ये कह रही थी कि मुझे लग रहा है कुछ हो गया है, कुछ लग गया, किसी कीड़े ने काट लिया है। तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। 2 बजे के आसपास आलिया को चोट लग गई सोते सोते। मैं ऐसे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैं ऐसे पीछे अपने हाथ करी हुई थी, और मेरा अचानक से हाथ में मुझे ऐसा लगा कि कोई सेफ्टी में जैसे कोई चीज बहुत तेज चुभी मेरे हाथ में। तो मैं जल्दी जल्दी उठाई, मोबाइल चेक करने लगी, फिर अपनी भी जाग गई थी, मम्मी भी जाग गई थी, तो फिर देखा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे हाथ में ब्लड था, 3 जगह स्पॉट्स में था। सांप आया हुआ डर तो मुझे ऐसी बात का लग रहा था। फिर जब हैंड वॉश कराए तो वो सिर्फ एक ही स्पॉट था, लेकिन उसके बाद जो मेरे दर्द होना शुरू हुआ है हैंड में, वो जैसे बार बार हाथ में झटका टाइप लग रहा था, सेंसेशन क्रिएट हो रही थी अंदर तक, नर्व्स तक सेंसेशन जा रही थी अजीब और गरीब सी। मैं उसके बाद से नहीं सो पाई सही से, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद सुबह जब उठी हूँ तो एक ही हाथ पोजिशन एक ही हाथ में था, एकदम स्टिल हो गया था मेरे। और अभी मम्मी कर क्या रही है, ये क्या कर रही है देख लीजिए, पता नहीं खुद डॉक्टर बनी है सर्जन बनी है। सर्जन नहीं बेटा, इसमें हमको लग रहा है ना पलंग में बेड में जो थोड़ा सा कहीं पे वो रहा होगा लकड़ी का फांस रहा होगा, वो चुभ गया है अंदर, वो अंदर चला गया, इसी से ये हो रहा है। अभी निकल जाएगा तो सही हो जाएगा। वैसे हमको लग रहा है टाइट करिए, लग रहा है निकल गया है, सुई से निकाल देते हैं ना, तुम अपने से भी निकाल, अभी चुभ रहा है। तो गाइस फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आप लोग ये घर पे मत ट्राई करिएगा। सब लोग करते रहते हैं। चलो वैसे साफ हो चुका है, ये देखिए वैसे इसके हाथ में भी है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी उसका। ये ऐसे लग रहा है आलिया तुमको किसी ने बिच्छू ने डाउन। मम्मी सही में मुझे भी यही हो रहा है, जैसे आपसे स्वेलिंग हो रही है मेरे हाथ पे जा रही ना, सांप बिच्छू तो डंक नहीं मारा कुछ भी। नहीं नहीं देखो ये स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, ये है हां दर्द हो रहा है। हां और फिर इसके बाद आलिया के पापा जो थे वो आलिया को लेकर के यहाँ पार्वती हॉस्पिटल गए। हमको कहना था कि ऐसा है किसी डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उन्हें दिखा लीजिए। जैसे हमें तो लग रहा था शायद फांस वगैरह कुछ हो गया है, तो हमने उसको कोशिश भी की थी निकालने की पर समझ में नहीं आ रहा था। पर डॉक्टर का कहना था कि किसी कीड़े ने शायद काट लिया है, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी थी, कुछ क्या दी थी वही स्वेलिंग के लिए उन्होंने दे दी थी। और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक हाथ उनका कुछ बेटर हो गया था, लेकिन हल्का सा निशान अभी भी है। उसके बाद ये देखिए शाम को हम लोग बना रहे थे पाइनएप्पल शेक, तो यहाँ पे पाइनएप्पल डाला है, साथ में इसमें अदरक डाली है, पुदीना डाला है। हम क्या बना रहे थे, तंजिया बना रही थी, और पाइनएप्पल जो था ना ये थोड़ा सा खट्टा था, तो तंजिया ने कहा थोड़ी सी इसमें शुगर भी डाल देते हैं ताकि मिठास हो जाए, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, खट्टा है तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। और इसमें ग्रेप्स डाला है साथ में हमने, और ये देखिए चाट मसाला और ब्लैक पेपर, ये दोनों भी ज़रूर डालिएगा। बहुत ही मज़े का ये शेक बनता है। अगर आपने नहीं बनाया, शेक क्या स्मूदी कहेंगे, अगर आपने नहीं बनाया है ना तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर ग्रेप्स नहीं है तो फिर ग्रेप्स स्किप कर दीजिएगा, खाली पाइनएप्पल से बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए ये रेडी हो गई थी, पहले इसको ग्राइंड कर लिया था तंजिया ने, उसके बाद अब इसमें जो पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी इसमें ऐड कर देगी, चिल्ड वाटर इसमें डाल देंगे, और बाद में अगर कम ठंडा होगा तो इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। वैसे हम लोग आइस क्यूब्स या आइस बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि चिल्ड वाटर जो होता है वो ठीक होता है, आइस इस्तेमाल करने से ना ऐसा लगता है गला ख़राब हो जाता है, तो आइस जो है बहुत कम यूज़ करते हैं। जो हमारी फ्रिज में बॉटल सबसे ठंडी या चिल्ड होती है वही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो आप लोग भी अवॉइड किया करिए। उसके बाद ये देखिए पानी डाल के इसे इसने बना लिया है। ये देखिए आप लोग,
आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।